उसका कसूर क्या था? यही ना कि उसने एक बच्चे का जीवन बचाया, यही ना कि उसने हिंदू धर्म में प्रचलित एक कुरीति का विरोध किया, यही ना कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई जो कि उसे सौंपी गई थी महिला विकास समूह द्वारा। परंतु सजा किसे मिली? सजा नहीं बल्कि उसे उसकी औकात याद दिलाई गई। उसके साथ उसके पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया गया। एक महिला के साथ तो यही जोर चलता है पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा। जानेंगे कि क्या कसूर था भवरी देवी का, उसके साथ किन किन लोगों ने दुष्कर्म किया, क्या उसके दोषी पकड़े गए, क्या उन्हें सजा भी हुई, क्या उसके पति, घर परिवार वाले, रिश्तेदार आदि ने उसका साथ दिया, क्या उसके कार्यालय वालों ने या उसके डिपार्टमेंट वालों ने उसे सपोर्ट किया, क्या प्रशासन व अन्य संस्थाओं ने उसका साथ दिया, क्या वो मर चुकी है या आज भी जीवित है, अगर हाँ तो वो कहाँ है और किस हाल में है। जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से, सुनकर आपके आंसू ना निकल आए, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहना, आपकी नजरें सम्मान में झुक जाएंगी। उससे पहले दोस्तों, जिसने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस पूरी घटना का विवरण जो कि 22 सितंबर 1992 को घटी थी, उसका आधार लखनऊ पोस्ट पर छपे एक आर्टिकल से लिया गया है। राजस्थान में एक भटेरी नाम का गांव पड़ता है। बता दे, आज भी राजस्थान, हरियाणा आदि क्षेत्र में महिला विरोधी कई कुरीतियों का धर्म की आड़ लेकर पालन किया जा रहा है। उसमें से एक कुरीति बाल विवाह है। भटेरी गांव जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमार जाति को बिलोंग करने वाली ये महिला भवरी देवी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला विकास प्रोजेक्ट WDP में साथिन के रूप में कार्य किया करती थी, जिसका कार्य घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षा, साफ सफाई, स्वास्थ्य, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना था। यह एक सरकारी मिशन के तहत हो रहा था। इस गांव में गुर्जर जाति की बहुलता थी, जो कि एक संपन्न ऊंची जाति में आती है जाति क्रम अनुसार। भवरी देवी, जिसका खुद का विवाह 5 वर्ष की उम्र में हो गया था, वह इसकी परेशानियों और खामियों को खूब समझती थी। उसे पता था कि इससे मानव विकास में रुकावट आती है। अक्षय तृतीया का वो दिन, जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार सभी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए शुभ माना जाता है, पड़ोस में एक गुर्जर समाज के रामकरण गुर्जर परिवार अपनी नवजात बच्ची का विवाह करवा रहा था। भवरी देवी ने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु गुर्जर परिवार नहीं माना। इस पर अपनी ड्यूटी के तहत भवरी देवी ने पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। पुलिस वहां बाल विवाह रोकने तो गई, परंतु वह भी वहां शादी की मिठाई खाकर आ गई। इन सब में उस दिन तो रामकरण गुर्जर अपनी नवजात बेटी का विवाह नहीं करा पाया, लेकिन अगले ही दिन उसने रात में 2 बजे बच्ची का विवाह करा दिया। तथाकथित अग्रणी जाति गुर्जरों को यह बात अपमानजनक लगी। एक तो नीची जात की और उस पर से महिला विरोध करेगी, इतनी हिम्मत कैसे आई? भवरी देवी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए पूरा गुर्जर समाज एकजुट हो गया, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जहां वे नौकरी करती थी उन्हें डराया धमकाया, भवरी देवी के पति की भी खूब पिटाई की, पीट पीट कर उसे अधमरा तक कर दिया, उसे नौकरी छोड़ने पर बाध्य करा। इतने में भी उनका जी नहीं भरा। एक महिला पर जोर अजमाइश या बदला या गुस्सा उसका शील भंग करने के रूप में ही निकाला जाता है। 22 सितंबर 1992 की वे भयानक शाम, भवरी देवी व उसका पति दोनों खेत में काम कर रहे थे। तभी गुर्जर परिवार के 5 लोगों ने उसके पति को खूब पीटा, मार मार कर अधमरा कर दिया और उसकी आंखों के सामने उन 5ों ने भवरी देवी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म। इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी भवरी देवी अपनी एक साथी की मदद से बस्सी पुलिस स्टेशन FIR कराने पहुंच गई। लेकिन पुलिस सिस्टम ने कब शूद्रों या महिलाओं का साथ दिया है जो अब देते। काफी जोर लगाने के बाद FIR तो दर्ज कर ली, उसे उसका लहंगा सबूत के तौर पर थाने में जमा करने को बोला। शाम से रात 1 बज चुके थे। भवरी देवी ने अपना लहंगा जमा किया और खुद पति का खून से सना साफा बांधकर वे वहां से वापस लौटी।
कायदे से पुलिस को उसका मेडिकल तुरंत करवाना चाहिए था ताकि समय से मेडिकल जांच हो और अपराध साबित हो सके। जब वे बस्सी की पीएचसी में जांच कराने पहुंची तो वहां महिला डॉक्टर न होने के कारण उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीएचसी के धूर्त डॉक्टरों ने रेफरल में उसके साथ हुए दुष्कर्म की जांच ना लिखकर केवल उम्र की जांच करने को लिखा। तनिषा अब्राहम की बुक द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की एंड साथिन भवरी रेप केस में वे लिखती हैं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मजिस्ट्रेट का आदेश लाने को बोला। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, कसर अभी भी बाकी थी। मजिस्ट्रेट ने यह कहकर कि ऑफिस का टाइम आज समाप्त हो गया है, कल आना। अब तक 48 घंटे बीत चुके थे जबकि भारतीय कानून के तहत यह अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका मेडिकल टेस्ट कराने में 52 घंटे बिता दिए, उसके जख्मों का भी रिकॉर्ड नहीं रखा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 1993 में चार्जशीट दाखिल हुई। 1994 में उन पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। 15 नवंबर 1995 को उन पांचों अपराधियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अदालत ने उन्हें बेकसूर पाया। ट्रायल के समय 5 जजों की बेबुनियाद बदली की गई और 6वें जज ने फैसला सुनाया। ये पावर है रसूखदार अपराधियों की। याद है गुजरात का बिल्कुस बानो केस जो कि 2002 में हुआ था। 11 के 11 अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण बताकर हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था और समाज ने उनका स्वागत फूल मालाओं और मिठाई से किया। ऐसा भारत में ही होता है जहां जाति देखकर फैसला सुनाया जाता है। तो जब 1995 में आरोपी रिहा हुए तब बस्सी विधानसभा के बीजेपी के विधायक कन्हैया लाल मीणा ने उन गुर्जर अपराधियों के समर्थन में जयपुर में रैली का आयोजन किया। भाजपा की महिला इकाई ने भवरी देवी को भरी सभा में झूठा कहकर संबोधित किया। ये होती है सत्ता की खनक। जब महिला ही महिला की पीड़ा नहीं समझेगी तो पुरुषों से उम्मीद करना बेवकूफी है। जरा अदालत के फैसले के आधार तो सुनिए कि विलेज का हेड बलात्कार नहीं कर सकता है। अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बलात्कार में शामिल नहीं हो सकते। दो आरोपी ऐसे थे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। इतने अधिक उम्र के लोग बलात्कार नहीं कर सकते। बलात्कार असंभव था क्योंकि उसका पति मौजूद था। घटना में एक चाचा और उसके भतीजे पर भी आरोप है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि चाचा और भतीजा एक साथ बलात्कार में शामिल होंगे। आप खुद देखिए कितने वाहियात तर्क दिए गए हैं। ये क्या जज कहलाने लायक भी है? महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं कोर्ट में। गिरजा व्यास जो एमपी थी उस वक्त, उन्होंने इस फैसले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। मोहिनी गिरी जो इंडियन गवर्नमेंट नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की हेड थी उस समय, उन्होंने चीफ जस्टिस को इस फैसले में दखल देने के लिए पत्र लिखा। लोकल न्यूज़पेपर्स और महिलाओं द्वारा प्रदर्शन करने पर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। भवरी देवी ने हाई कोर्ट में अपील की। महिला संगठनों ने भी राज्य सरकार पर दबाव बनाया, परंतु 2007 तक केवल एक बार ही भवरी देवी केस की सुनवाई हो सकी। 22 वर्षों में केवल एक हियरिंग। जब सुनवाई ही नहीं होगी तो अभियुक्त दोषी कैसे साबित हो पाएंगे? सारी जिंदगी तो ऐश में कट गई उनकी, अब मरमुरा के स्वर्ग चले जाएंगे बिना सुनवाई के। अपरोक्ष रूप में इसे जातीय पक्षपात करना कहते हैं। भवरी देवी जिस विभाग में कार्यरत थी, वेमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन लोगों ने भी साथ देने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसके साथ दरिंदगी खेतों में हुई थी, जबकि वह अपने विभाग की ड्यूटी के तहत बाल विवाह का विरोध करने गई थी। सन 1997 में विशाखा गाइडलाइंस और 2013 में सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्कप्लेस एक्ट नाम का कानून पारित हुआ। उसका प्रेरणा स्रोत भवरी देवी का यह बहुचर्चित केस ही था। इस एक्ट और विशाखा गाइडलाइन की चर्चा में आगे करूंगी, पहले भवरी देवी के केस की पूरी सच्चाई सुने। भवरी देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में अवगत भी कराया था कि वो गुर्जर समाज उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन उन लोगों ने तब भी भेजा उन्हें विवाह रोकने के लिए। अब आप देखिए, न ऑफिस वालों से, न पुलिस महकमे से, न डॉक्टर से और न ही अदालत से उन्हें न्याय मिला। और हमारे समाज का दस्तूर तो ये है कि जो पीड़ित होता है उसे ही झूठा और गुनहगार साबित कर दिया जाता है। इतने पर भी समाज ना रुका, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, उसकी नौकरी चली गई
उसके बनाए बर्तनों को खरीदना बंद कर दिया गया। उसके रिश्तेदारों तक ने सवर्ण समाज के डर से उससे बात करना और उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। शादी ब्याह तक में भी नहीं बुलाया जाता। कैसे एक गरीब लाचार महिला को इस प्रकार यौन उत्पीड़न करके उसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह के उत्पीड़न का उसे शिकार बनाया। भवरी देवी को इंसाफ दिलाने के लिए कई महिला संगठन सामने आई, धरने प्रदर्शन हुए, कई एनजीओज ने साथ दिया, परंतु सबसे ज्यादा साथ तो उसे उसके पति ने दिया, जो कि आज भी उसके साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, 30 साल से ऊपर बीत चुके हैं, भवरी देवी और उसका पति आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। भवरी देवी केस फैक्ट्स ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स को आधार मानकर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय में होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कोर्ट ने गलत इशारे, टिप्पणी, गलत व्यवहार, शारीरिक संबंध बनाने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना अपराध माना गया। यह आर्टिकल 14 जो बराबरी का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल 19 के 1 का जी किसी भी रोजगार को चुनने का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 जो कि सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। इन सबके अनुसार महिलाओं को काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लिहाजा कार्य स्थल को उनके लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। 2013 में इन्हीं गाइडलाइंस को आधार मानकर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्कप्लेस एक्ट पारित हुआ। इसके तहत हर वो ऑफिस जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। इस कमेटी में आधी सदस्य महिलाएं ही होनी चाहिए। इस प्रकार भवरी देवी महिलाओं के लिए एक जीत का चेहरा बनी, एक अधिनियम का चेहरा बनी। उन्हें उनके साहस के लिए, संघर्ष के लिए नीचा भनोट मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बीजिंग के 4th विश्व महिला कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया, जिनकी बदौलत देश को, यानी कि देश की सारी महिलाओं को ऐसा पहला कानून मिल पाया है जिसमें वे वर्क प्लेस में अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। वे आज भी न्याय के लिए तरस रही हैं, इंतजार कर रही हैं। अफसोस है, आज मनुष्य चांद पर और मंगल पर जा रहा है और यहाँ हम महिलाएं अपने लिए एक एक अधिकार के लिए लड़ रही हैं, एक एक अधिकार के लिए तरस रही हैं। आंदोलन प्रदर्शन करने पर ही लोगों का ध्यान जाता है हमारी समस्याओं पर। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर दंड लगाया जा सकता है। दिसंबर 2021 में तो शादी की उम्र 18 से 21 बढ़ाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था, जिसकी रिपोर्ट विचारणीय है अभी। परंतु रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हर मिनट में लगभग 3 बाल विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। NCERB के डेटा के अनुसार 2018 से 2022 तक 3,863 चाइल्ड मैरिज के केसेस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन एक्चुअल फिगर इससे भी कहीं ज्यादा है। बाल विवाह का मतलब लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम। वैसे ये परंपरा पूरी दुनिया में कायम है, परंतु भारत व अन्य विकासशील देशों में ये काफी ज्यादा प्रचलित है। और ये बाल विवाह किसी भी उम्र में कराया जाता है, बल्कि बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनकी शादियां तय कर दी जाया करती थी उनके परिजनों द्वारा, और इसके दुष्परिणाम भी सामने आए थे। आप खुद सोचिए, बच्चों का बचपना पति पत्नी की जिम्मेदारी में बीतना क्या समझदारी है? बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी मानसिक परिपक्वता को तो पनपने का कोई अवसर ही नहीं मिलता होगा। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि वयस्क होने पर पुरुषों द्वारा दूसरी शादियां कर ली गई या पहली पत्नी को छोड़ दिया गया। 1929 में बाल विवाह रोक पर कानून बनने के बाद 1949 में, 1978 में और 2006 में इसमें समय समय पर संशोधन किए गए उम्र को लेकर। बाल विवाह का संबंध बच्चों, विशेषकर महिलाओं पर पुरुषवादी वर्चस्व और अधिकार को बरकरार बनाए रखने का है।
किसी पुराने समय में परिस्थिति अनुसार अगर कोई रीति चल गई तो उसे धर्म से जोड़कर उसका विरोध करने वालों को आधार्मिक कहकर समाज ने बहुत प्रताड़ित किया और बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कब जागरूक होगा ये समाज, कब बदलेगी इनकी मानसिकता? आज वे भवरी देवी उसी गांव में बेबाकी से रह रही हैं, उसी संस्था में साथिन के रूप में कार्य कर रही हैं, उसी प्रकार घर घर जाकर लोगों को धर्म की कुरीतियों के बारे में जागरूक कर रही हैं। आज भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है ये पूछने पर कि क्या उसे डर नहीं लगता है। भवरी दंपति कहते हैं कि डर किस बात का, वे केवल मार ही तो सकते हैं, उससे ज्यादा क्या। भवरी देवी को उनकी वीरता के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारी आज की दिलेर बहादुर नायिका को मिलियन सलूट। भवरी देवी पर आधारित एक फिल्म पवंडर नाम की सन 2000 में बनी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन जज लोगों के पास भी जाए जिन्होंने ये बेबुनियाद फैसला सुनाया था, शायद उनमें कुछ संवेदना जागे। आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करती हूँ, इसे शेयर जरूर करें और अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।